आपने भी जीमेल आईडी बनाया हुआ है और आपने उसका नाम जल्दी जल्दी में लंबा चौड़ा रख लिया है, जिससे आप किसी को बताते हैं तो आपको बताने में प्रॉब्लम आती है। मतलब आप जब भी किसी को अपना ईमेल आईडी बताते हैं तो आप जल्दी से बता नहीं पाते हैं, आपको बताने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने ईमेल आईडी के यूजर नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट टाइप में लिख सकते हैं। मतलब आप जब भी अपना ईमेल आईडी किसी को बताएंगे तो आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी और फटाफट आप अपने ईमेल आईडी को बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ आप अपने जीमेल के यूजर नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए उसके लिए हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो तरीका थोड़ा डिफरेंट है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, आपके फोन में एक प्ले स्टोर का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जनरल में, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज कॉन्टैक्ट ईमेल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ जाता है आपकी ईमेल चेंज करने का, आप यहां से अपनी ईमेल को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहां पर कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान देने वाली है, आप जिस भी ईमेल आईडी को कस्टमाइज करने वाले हैं, जो भी आप नाम रखने वाले हैं, ईमेल आईडी को चेंज करने से पहले, अपने यूजर नेम को चेंज करने से पहले आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इस नाम से पहले ईमेल आईडी तो नहीं बनी है। यहां पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं आप यहां पर चेक कैसे कर सकते हैं, उसके बाद ही आप यहां पर चेंज कर सकते हैं अपने यूजर नेम को। तो उसके लिए आपको अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, तो चलिए मैं अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेता हूं। जैसे आप यहां पर जीमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर भी एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं आपके सामने कि यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एड अनदर अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर अपना पासवर्ड फिल कर लेना है, थोड़ा सा यहां पर प्रोसेसिंग लेगा उसके बाद यहां पर खुल जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर पासवर्ड अपना फिल कर देते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। जैसे आप यहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहां दो ऑप्शन खुल करके आते हैं, आपको यहां पर फॉर माय सेल्फ पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर नाम डाल दिया है, उसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहां पर फिल कर लेता हूं। यहाँ पर हमसे जेंडर पूछता है तो यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है जो हम यूजर नेम रखने वाले हैं कहीं उस नाम से पहले ईमेल आईडी तो नहीं बनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस प्रकार से अपनी ईमेल आईडी को कस्टमाइज किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके चेक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस यूजर नेम से कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनी है, तो चलिए मैं यही वाला नाम डालकर वहाँ पर सेव कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी ईमेल आईडी को चेंज करने यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी जीमेल आईडी को चेंज कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहां पर कुछ टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका ईमेल आईडी यूजर नेम चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।